मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम। आपके शहर में इससे पहले भी कई दफा आना हुआ। आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, कोई हुकूमत पर नुक्ता चीनी नहीं है। हर शहर में हर मोहल्ले में अहले दिल होते हैं, अहले दिलों को निकालना मकसद है और दिल की आवाज दिलों तक पहुंचाना मकसूद। हजूर पाक के जमाने में दो तरह का इलम था, दो तरह की इबादत थी, एक जाहरी एक बातनी, एक जबान वालों के लिए और एक दिल वालों के लिए। आपके जमाने में जिन लोगों ने सिर्फ जहरी इबादत पर कनात करी उनमें कोई खारिज हुए, कोई मुनाफिक हुए, और जिन लोगों ने वो बातनी इलम भी हासिल किया वो तो सहाबी या रसूलुल्लाह कहलाए और वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले गए। अब वो जहरी इबादत जहरी तालीम बच्चा बच्चा जानता है, वो बातनी इलम जिसको मुसलमान परामोश करके तबाह हो गया, कई फिरकों में तकसीम हो गया और उसकी तशरीह जरूर हो गया। जहरी इलम हर मस्जिद में हदीस शरीफ में हर उलमा के पास, लेकिन वो बातनी इलम ना उलमा के पास, ना मसाजिद में, ना हदीस शरीफ में। हदीस शरीफ में सिर्फ उसके इशारे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे हजूर पाक से दो इलम हासिल हुए, एक तुम्हें बता दिया, अगर दूसरा बताऊं तो तुम मुझे कत्ल कर दो। कुरान मजीद में भी उसके इशारे हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदुनी था, इशारा है इलम नहीं है। हज़रत इब्राहिम बिन आदम फरमाते हैं कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह का दीदार किया, 120 मसले सीखे, सिर्फ 4 मसले लोगों को बताए, सब ने इनकार कर दिया। हजूर पाक फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला से 3 इल्म हासिल हुए, एक आम के लिए, एक खास के लिए और एक सिर्फ मेरे लिए। और एक और वाक्य है, एक दफा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह मौलाना रूमी के मकतब में चले गए, वो कुछ किताबों का मुताले कर रहे थे। शाह शम्स पूछते हैं कि ये चीज, वो फरमाते हैं कि ये आ इलम के तू नमें दानी, कि ये वो इलम है जिसको तुम नहीं जानते। इतने में मौलाना साहब को रफा हाजत की जरूरत पड़ी, गए वापस आए, देखा मेज पे किताबें नहीं थी, पूछा मेरी किताबें थी किधर गई, उन्होंने कहा मैंने पानी के हौज में फेंक दी। मौलाना साहब ने कहा कि ये मेरे कीमती नुस्खे थे, कलमी नुस्खे थे, अब तो बर्बाद हो गए होंगे। उन्होंने कहा घबराते क्यों, अभी निकालता हूं, जब पानी से निकाली तो वो उसी तरह खुश्क थी। उस वक्त मौलाना ने पूछा कि ये चीज, उन्होंने कहा ये आ इलम मस्क तू हमें दानी, कि ये वो इलम है जिसको तुम नहीं जानते। इसका मकसद है कि ये इलम है, इलम बातन है। एक और बुजुर्ग हो गुजरे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अमरोजी, उन्होंने जबान वालों को कुरान मजीद से सुधारा और दिल वालों को जिक्र अल्लाह से सुधारा, तब उनको राजी अल फरीकैन कहते हैं। अब वो दिल का इलम क्या है, जिस तरह ये जबान अल्लाह अल्लाह करती है, इसी तरह वो दिल गोश का लोटना भी अल्लाह अल्लाह कर सकता है। इस तरह ये जबान अल्लाह अल्लाह करती है, इसी तरह वो दिल वो भी अल्लाह अल्लाह कर सकता है। लोग कहते हैं ये दरवेशों का ख्याल है,
हमने बिल देखा है गोश्त का लोथा है, वो अल्लाह कैसे कर सकता है? और हम कहते हैं ये जमान ये भी गोश्त का लोथा है, ये अल्लाह कैसे करती है? फर्क यह है कि ये जबान दो जबड़ों के दरमियान लटकी हुई है, गोश्त का लोथा है, और वो दो पसलियों के दरमियान लटका हुआ है, ये भी लोथड़ा वो भी लोथड़ा। इस जबान में कोई ताकत नहीं है कि ये अल्लाह करे, इसको अल्लाह कराने के लिए एक मखलूक है जिसका नाम है लतीफा अफ्फा, वो सीने के दरमियान में। अगर किसी की वो मखलूक खत्म हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं जबान तो सही है, पता नहीं बोलता क्यों नहीं है। इंसानों और जानवरों में उन मखलूकों का फर्क है, अगर वो मखलूक जानवरों में होती तो उनकी भी जबान है, वो भी कुछ ना कुछ बोलते, तोतला से ही बोलते। अब ये मखलूक जिसका नाम लतीफा अख्फा है वो आजाद है, इसी तरह वो जो गोश्त का लोथा है उसके साथ भी एक मखलूक है जिसका नाम है लतीफा कलम। ये मखलूक आजाद है, वो एक किले 80,000 जालों के अंदर बंद है। अगर कोई शख्स उस मखलूक को भी आजाद करा ले तो जिस तरह ये जुबान अल्लाह करती है इसी तरह वो दिल भी अल्लाह करता है। अब रहा सवाल कि वो मखलूक किस तरह जागे, वो 180,000 जालों के अंदर बंद है, वो किस तरह जागे? अगर किसी शख्स ने अंडा ना देखा हो, उसे कहा जाए ये हवा में उड़ेगा, ये चू चू करेगा, वो कहेगा तू गलत कहता है। बैठे भाई मैं किस पार्टी से कर रहे किसी शख्स ने अंडा ना देखा हो, उसे कहा जाइए हवा में उड़ेगा चू चू करेगा, वो कहेगा तू गलत कहता है, ना इसकी टांगे हैं ना जबान है ना पर है, ये किस तरह हवा में उड़ेगा? उसका नाम बेजा है, ये नकल है तुम्हारे बेजे की, तुम्हारे अंदर बेजा ना सूती है। उसके ऊपर 3 छिलके हैं और इसके ऊपर 180,000 जाले हैं, उसके अंदर एक चूजा बंद है और इसके अंदर एक रिश्ता बंद है। उसको जहरी गर्मी की जरूरत है और इसको अल्लाह की जरबों की जरूरत है, उसको मुर्गी चाहिए और इसको मुर्शिद चाहिए। मुर्गी क्या करेगी कि उसकी ताकत के हिसाब से उसको गर्मी पहुंचाएगी और मुर्शिद उसके सीने के जर के हिसाब से उसको गर्मी पहुंचाएगा। और जब वो अंडा फटेगा तो बगैर सीखे सिखाए चू चू करेगा, उसकी फितरत है। और जिस तरह और जब ये अंडा बेगाना सूती ये फटेगा तो बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह कहेगा, इसकी फितरत है अल्लाह अल्लाह। उस वक्त आदमी देखेगा कि मेरे अंदर कौन सी चीज बेदार हो गई जो अल्लाह अल्लाह कर रही है। अब आदमी उसका उस्ताद बन जाएगा, उसका काम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है। वो जो मखलूक जाग उठी, यहां से फिर दो तरह की तस्बीह चलती है, एक आम लोगों की तस्बीह एक खास की तस्बीह। आम की तस्बीह बाजारों में मिलती है, उसका क्या काम है? वो टिक टिक करती है, जबान अल्लाह अल्लाह करती है, वो टिक टिक जबान अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब वो तस्बीह भी बार, वो जो अल्लाह अल्लाह हो रही है वो भी बार, अब जो उसका नूर बन रहा है वो भी बार। एक दफा अल्लाह कह लेना काफी है, घड़ी घड़ी अल्लाह अल्लाह क्यों करते हैं? जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह आपस में टकराते हैं तो नूर बनता है। अब जो उस तस्बीह से अल्लाह अल्लाह से नूर बना वो भी बात, ये इबादत है, रूहानियत नहीं है। अब इसी की तरह की तस्बीह तुम्हारे अंदर टिक टिक कर रही है, अब तुमने उस लतीफे कलब को उस टिक टिक के साथ मिलाया, अब उसके साथ अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। अब वो टिक टिक नहीं रही, वो अल्लाह अल्लाह बन गई। जब अल्लाह अल्लाह बन गई, अब उस टिक टिक का क्या काम है? वो खून को नस नस में धकेलती है, फिर खून ऊपर आता है, फिर उसको नस नस में धकेलती है।
अब वो टिक टिक के जरिए अल्लाह अल्लाह नस नस में चला गया, पूरे खून में चला गया। जब पूरे खून में चला गया उस वक्त एक दफा दिल अल्लाह करे तो शाह वली अल्लाह फरमाते हैं तुझे 3.5 करोड़ अल्लाह अल्लाह करने का स्वाद मिलेगा। फरमाते हैं कैसे मिलेगा कि तेरे अंदर 3.5 करोड़ नशे हैं, दिल ने एक दफा अल्लाह करी 3.5 करोड़ नशे घूज उठी। सही सुल्तान बोल रहमतुल्लाह फरमाते हैं 72,000 और स्वाद मिलते हैं अगर दिल एक दफा अल्लाह कहे तो। कैसे मिलते हैं? ये जो मसान है जहां से पसीना आता है ये 72,000 होते हैं। दिल ने एक दफा अल्लाह करी 72,000 आवाजें यहां से भी गूंजी। फिर इलामा इकबाल ने फरमाया, फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाते हैं कि खुदी को घर बुलंद उतना, और खुदी का मतलब समझाया, खुदी का सरे ना ला इलाहा इल्लल्लाह। तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना जिक्र कर कि लोग कहें मजनू है और मुनाफिक कहें रियाकार। वो जो पहला दर्जा था तस्बीह वाला वो मुसलमान का था, वो मोमिन नहीं हो सकता। आप दिन रात तस्बीह पढ़ते रहे, नवाफिल तिलावत करते रहे, आप मुसलमान हैं। मोमिन की तशरीह सूरत अजरात में है। अराब ने कहा ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे अंदर दाखिल होगा। अब तुम्हारे अंदर नस नस में नूर दाखिल हो गया, अब तुम मोमिनों में आओ। मुसलमानों में दर्जे हैं, फिरके हैं, 72 फिरके हैं, एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहते हैं, और मोमिन में कोई फिरका नहीं है। मोमिन सारे भाई भाई हैं। मोमिन भी कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं। मोमिन कहता है बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आम आदमी अगर इस जगह पहुंच जाए तो उसको नूर कहते हैं, क्योंकि नस नस में नूर चला गया, उसको नूर कहते हैं। अगर कोई आलम है वो इस मकाम पर पहुंच जाए तो उसको नूर अल नूर कहते हैं। वही आलम है जिनके लिए हजूर पाक ने फरमाया कि मेरे आलम बनी इसराइल की नबी को मानन होंगे, और वाकई उनकी तुहीन मजहब इस्लाम की तुहीन है।